बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने टिकट काटे जाने की बात को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि पार्टी ने जिन भावनाओं का आदर किया है। न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत में ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं और चुनाव पर इनका कोई असर नहीं है। देखिए क्या कुछ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा। इस बार 24 की जो लड़ाई है, जो अखाड़ा है, कैसरगंज में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप जब यहां से मैदान में होते हैं तो कहा जा रहा है कि परिस्थिति अलग होती है, और अब की पुत्र के लिए क्या परिस्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, जिस विधानसभा में इस समय आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कर्नलगंज विधानसभा है। सन 1991 से लेकर के आज तक 7 बार हम यहां से लड़े हैं और 7ों बार रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। पिछली बार हम इस विधानसभा को 75,000 वोट से जीते थे और इस बार ये विधानसभा 1.25 लाख के ऊपर ये विधानसभा जा रही है। और कैसरगंज लोकसभा में किसी पार्टी द्वारा कोई भी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, एक तरफा चुनाव है। लेकिन इस बार जो सपा का टिकट है, उसमें उनको मुस्लिम वोटों पर, ब्राह्मण वोटों पर, पिछड़े समाज के वोटों पर बड़ा भरोसा है और उसको लेकर उनकी तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए, किसी अन्य क्षेत्र में होगा, यहां ये दावा नहीं चलता है। यहां एक दावा है, विभूषण सिंह, और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर काम करते हैं। हमारे दरवाजे पर 2 प्रकार का गिलास नहीं होता है, 2 प्रकार की मिठाई नहीं होती है, 2 प्रकार का बैठका नहीं होता और 2 प्रकार की बात नहीं होती है। किसी कोई भी आवे, अगड़ा आवे, पिछड़ा आवे, दलित आवे, हिंदू आवे, मुसलमान आवे, सबके साथ समान व्यवहार हम करते हैं। आपके हिसाब से जो मोदी मैजिक की बात कही जा रही है, मोदी की गारंटी, उसका कितना असर आपके क्षेत्र में? चूंकि एक आपकी पहचान यहां अलग है, उसके अलावा इसकी बात में कर। देखिए, मोदी को लेकर के तो हर क्षेत्र में एक फैक्टर है। मोदी जी को लेकर के जनता उत्साहित रहती है, हर क्षेत्र में फैक्टर है, कोई हमारा क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में फैक्टर है। लेकिन यहां कुछ अलग माहौल है, यहां अलग माहौल है। लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगे उसको, और परिवारवाद को लेकर आपके ऊपर बहुत हमले विरोधियों की तरफ से हो रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कमजोर लोगों की मदद करता हूं, अन्याय के विरोध में खड़ा होता हूं, और इसीलिए कभी कभी हमारे सवाल हमारे नेताओं को भी चुभने लगते हैं, क्योंकि मैं सत्य का साथ देता हूं। और आरोप उसी के ऊपर लगेगा जो सख्तशाली होगा और कुछ करेगा, उसी का आरोप लगेगा। कमजोर लोगों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है। आपके पुत्र को टिकट दिया गया तो इसे लेकर के बीजेपी पर हमला हो रहा है कि परिवारवाद की विरोधी पार्टी है, और देखिए पिता को नहीं दिया तो बेटे को दे दिया, इसको लेकर के काफी हमले आपके ऊपर हो रहे हैं। ये क्षेत्र, ये हमारे पुत्र को टिकट नहीं दिया गया है, ये कैसरगंज क्षेत्र की जनता की जन भावनाओं का आदर किया गया है। यहां की जनता किसी को स्वीकार करने वाली ही नहीं है, और मैं ऑन कैमरा बोलता हूं, मेरे इस लोकसभा क्षेत्र से किसी व्यक्ति ने टिकट ही नहीं मांगा था, किसी ने टिकट अप्लाई नहीं किया था। हमारे किसी विधायक ने, किसी कार्यकर्ता ने भी कभी टिकट नहीं अप्लाई किया, और आप पता कर लिए पिछली बार भी मेरे लोकसभा से कोई टिकट नहीं मांगा था। इसके लिए नड्डा जी ने मुझे धन्यवाद दिया था कि एक लोकसभा ऐसी सीट है जिस पर कोई एप्लीकेशन नहीं आती, इस बार भी कोई एप्लीकेशन नहीं गई थी। यहां की जनभावना है और जनभावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। पूरा आत्मविश्वास है कि जो परिणाम होंगे वो 2019 से आगे जाएंगे, और मुद्दा जो है वो ब्रिजेश शरण सिंह है, जिन पर 1 साल से आरोप लगते आ रहे हैं।